राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रही जमुना बारूपाल का गुरुवार देर रात बीकानेर में निजी अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस नेता के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने दुख जताया। दरअसल कुछ दिन पहले गिरने के कारण जमुना बारूपाल की पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता के निधन की सूचना के बाद बीकानेर में शोक की लहर छाई हुई है। उनके आवास पर पहुंचकर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बारूपाल का निधन बहुत ही दुखद है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और गोविंद मेघवाल ने भी बारूपाल के निधन पर शोक जताया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी बारूपाल के निधन को बीकानेर संभाग के लिए बड़ी क्षति बताया है। आज पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद श्री जमुना जी बारूपाल साहब का निधन हो गया है। आज के निधन से बड़ी गहरी चोट लगी है कांग्रेस परिवार को। उन्होंने राज्यसभा में जिस तरीके से बीकानेर जनता की जो आवाज़ उठाई, उनके पिताजी पन्नालाल बारूपाल जी ने बीकानेर, गंगानगर, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से उन्होंने काम किया देश के लिए, वो आज कोई भुला नहीं सकता। आज उनकी आत्मिक निधन से बड़ा गहरा क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बता दें कि जमुना बारूपाल साल 2000 से 2006 तक राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बारूपाल को सभी बुआ कहकर ही बुलाते थे। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने बीकानेर के साथ अनुसूचित जाति व जनजाति के अनेक मुद्दे राज्यसभा में उठाए। उनका व्यवहार था कि वो हर किसी बड़े नेता का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके व्यवहार के कायल रहे। राहुल गांधी के साथ उनका फोटो काफी चर्चा में रहा, जिसमें राहुल ने जमुना बारूपाल को गले लगाया हुआ है। इसके अलावा अशोक गहलोत भी उन्हें पूरा मान सम्मान देते रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल बारूपाल के परिवार से आने वाली जमुना बारूपाल के बाद राजनीति में सक्रिय रही। उसके बाद पुत्रवधू सुषमा बारूपाल भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनके जितना कद कोई हासिल नहीं कर पाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।